नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल BSc उत्तम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में 12th एग्जाम 2022 के लिए सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में समाप्त करेंगे। इसलिए आप लोग भी इस वर्ष 12th से यानी 12th का एग्ज़ाम देंगे 2022 में, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका PDF चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट bscstudy.com पर जाकर के आप लोग ले सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके स्क्रीन पर, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो यहाँ पे देखिए धातु की कॉन्डिनेशन नंबर पूछा गया है यानी कॉन्डिनेशन संख्या। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक तो है, तो संरचना में है, तो धातु की कॉन्डिनेशन संख्या पूछा गया है, तो धातु की कॉन्डिनेशन संख्या कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो जो कि आपके स्क्रीन पर, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होती है, 7 होती है। आप सभी को पता होगा ना, 7 होती है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। इसी तरह से फटाफट याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन जो कि आपके स्क्रीन पर, BCCA इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है दोस्त, 3 का आप लोग जवाब दीजिए। 3 का क्या हो जाएंगे, 32% हो जाएंगे। BCCA इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत है वो कितना रहता है, तो 32%। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए इस तरह से याद करते चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर चार जो कि आपके स्क्रीन पर, FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है FCC में। चलिए फटाफट, 4 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, 74% हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, Na2O में सोडियम की उपसंयोजक संख्या है। देखिए यहां पे साफा पूछा जा रहा है, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजक संख्या, यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजक संख्या है, 5 का क्या हो जाएंगे, 5 का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। याद करते चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्रिस्टल में कितने टाइप यानी कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, 6 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 6 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एक क्रिस्टल में कितने टाइप यानी कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, तो 14 होते हैं। याद करते चलिएगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन बिरवदार ठोस है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन बिरवदार ठोस है अथवा कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो 7 का सही जवाब बी हो जाएंगे, क्वार्टार्ज ग्लास एस आई ओ टू। तो यहाँ पे SiO2, ठीक है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएंगे यानी क्वार्टार्ज ग्लास सिलिकॉन ऑक्साइड, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, 8 का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9, Na2O में सोडियम की उपसहसंयोजक संख्या, अभी आप लोगों को बताए थे 9 का सही जवाब क्या हो जाएंगे, Na2O में सोडियम की उपसहसंयोजक संख्या कितना हो जाएंगे, अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया गया था, शायद 2 बार ये क्वेश्चन टाइप हो गया था। ठीक है, तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएंगे, 9 का सही जवाब बी हो जाएंगे यानी 4 हो जाएंगे। ठीक है, Na2 में सोडियम की उपसहसंयोजक संख्या 4। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, FCC घनीय कोष्टक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्टक में साझा होता है, FCC घनीय कोष्टक में हर फलक केंद्र में जो उपस्थित परमाणु कितने कोष्टक में साझा होता है, 10 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, 2 इकाई कोष्टक। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कलर ही नहीं हुआ है। चलिए फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष जो कि परमाणु दोष होते हैं आप सभी को पता होनी चाहिए। 11 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होते हैं, परमाणु दोष, इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, फटाफट जवाब आनी चाहिए। 12 का क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, यानी शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो कि घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन है जो, देखिए आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, इसी तरह से याद करते चलिएगा। 13 का सही जवाब क्या हो जाएंगे, 13 का सही जवाब हमारा बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्रिस्टल का घनत्व सूत्र है, चार ऑप्शन है, इसमें कौन है जो कि क्रिस्टल का घनत्व सूत्र है, 14 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इक्वल टू एम एन बाई एन ए क्यू, इसी तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एफसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता, सॉरी यहाँ पे बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता, यहाँ पे गलती हो गई, बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है, 15 का आप लोग जवाब दीजिए, 15 का जवाब क्या हो जाएगा, 15 का सही जवाब बी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाएगा, प्रयास कीजिएगा, बीसीसी इकाई सेल में संकुलन क्षमता पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर तो क्या हो जा रहा है, 15 का बी हो जा रहा है। ठीक है, तो बी आप लोग देखिएगा, यहाँ पे बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता पूछा जाएगा तो क्या करिएगा आप लोग, ठीक है, सही ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ओके, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है, 16 का सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड सही ऑप्शन नंबर ए 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, देखिए ऑक्टा हिडायर वाइड में रेडियस का मान होता है, देखिए रेडियस का मान कितना होता है आप सभी को याद करना है, रेडियस का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑक्टा हिडायर वाइड में, रेडियस का मान सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे 0.414, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, HCP स्ट्रक्चर में धातु रवा का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन संख्या, तो चलिए 18 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में 12th एग्जाम 2022 के लिए सॉलिड स्टेट का 18 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को समाप्त किए हैं। अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं अभी तक आप लोग, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे दबाकर बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा। ओके, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।